कुछ तो मामला गड़बड़ है जो बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया जाता है। मुख्यमंत्री पहले यूसीसी लाना चाह रहे थे, उनको डंडा दिखाया गया कि कोई यूसीसी आप नहीं लाएंगे, अब मुख्यमंत्री उसको लेकर भी बैकफुट पर हैं और यहाँ डुगडुगी पीती जा रही है कि यूसीसी को लेकर बैठक हो रही है। ना नवमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना यूसीसी का ये ड्राफ्ट लाएंगे, क्योंकि ड्राफ्ट तो बहुत पहले तैयार हो गया, फिर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ पाया आज तक? इसका मतलब कई खामियां हैं, या इसका मतलब भाजपा की मंशा ही नहीं है यूसीसी लाने की, केवल वो एक झुंझुना मात्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री की रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा सब कुछ हुआ है इन 1.5-2 सालों में पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में, जो उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ। और अब चमोली की जो घोर लापरवाही है, उससे तो शायद उनका हाईकमान खासा नाखुश होगा उनको लेकर, इसलिए वो अपनी पैरवी करने या लॉबिंग करने के लिए दिल्ली बार बार दौड़ रहे हैं। देखिए, एक बड़ा मामला सामने आया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद पर कड़ी चोट करने की बात कह रहे हैं और धाकड़ धामी के रूप में अपने आप को प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा मामला रुद्रपुर से सामने आया है। नगर निगम सभागार जो कि विवादित था, राम बाबू आरटीआई एक्टिविस्ट ने सूचना प्राप्त की, पता चला सूचना में कि नगर निगम जहां बन रहा है ना उस जमीन को फ्री होल्ड कराया गया, ना नाम और नक्शे को पास कराया गया। ऐसे में जिला विकास प्राधिकरण ने तुरंत उसको सीज कर दिया निर्माण को, और अब निर्माण कार्य आनन फानन में पूरा करके उसका फीता मुख्यमंत्री से कटवा दिया गया। क्या मुख्यमंत्री को बताया नहीं गया था कि अभी भी माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और विवादास्पद है, और यह जमीन अभी भी विवादों को लेकर संदेह के घेरे में है। जब जिला विकास प्राधिकरण से पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि 1.71 करोड़ रुपया देकर उस जमीन की कंपाउंडिंग करा ली गई। तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत दिखाई पड़ती है, और मामले का अभी पटाक्षेप भी नहीं हुआ। जो मामला सब जुडिस है उस पर आप फीता काटने क्यों चले गए? आप तो लैंड जिहाद वाले थे, आप तो अवैध निर्माण के पूरी तरह से खिलाफ थे, आप तो बुलडोजर बाबा थे, फिर ऐसे में रुद्रपुर नगर निगम आपकी नजरों से कैसे बच गया? आनन फानन में क्यों इसका निर्माण कराया गया और क्यों फीता कटवाया गया, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइट।